नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है भाई। 1/7/2022 भिवानी तारा मंडी में जवार के बाद दिखावांगे किस भाव बेचने लग रही है भाई। एक ट्रेली गई थी भाई, वह 175 रुपये गई है। और भाई 1, 2, 3, 4 20-22 ट्रेली आ रही है भाई। तो इस भाई तो और बुध जाएंगे भाई के भाव बेचने लग रही है। के भाव गई भाई साहब? 165। आज मंद आए हैं यार, बारिश में इतनी मेहनत तक काट के ले आवा है। हाँ सही बात है भाई, गर्मक है भाई, काटना और भाई घालना आसी गेल को नहीं भाई। ये जो 20-22 ट्रैक्टर ले रहे हैं, 32 सही हैं भाई, इनकी बहुत हिम्मत है जो भाई इसी बारिश में मतलब काटना और घालना भाई। खेती में मेहनत है भाई और मजदूरी बता है खेती में। और भाई के भा गई भाई, हैं के भा गई? 110 रुपये भाई। हाँ चलो तो भाई जमाए माड़ी करी भाई, 110 जमा मतलब किसान मार के रहा। हाँ इतनी मेहनत है, गार में काट के लिया है, पानी में बता है। भाई किसान ना कहीं कोई कौन लुभदा सब कि में मतलब के भा गई भाई? पौने तो ठीक है भाई, हाथ है डैडी माऊ वो दूर है भाई। हाँ जरा रेट बतावे हैं वो किलोमीटर बता दे हैं, सौदा उड़े 125 रुपये। हाँ सही बात है भाई, ये देख लो आराज तो इतनी मेहनत तक अटकी आ रही है, बुझ गए ना। सही बात है भाई, अरकार में कर ये देख लो भाई, डैनी माऊ पड़ेगी या ट्राली 175 रुपये के बचेगा भाई। 175 रुपया में वो 125 रुपये पड़ेगी भाई, जाड़ा गेरे तो। अरे ये ट्राली भाई 110 रुपये के बा गई है कोनी बेकी? के भा गई भाई साहब? 140 रुपये ना भाई, कोई बाबू को नहीं, बस ब्रांड मट्टी है भाई। भाई 20-25 ट्रैक्टर हैं और वह भी खड़े हैं, इसी हालात हो रहे हैं। और नहीं तो 50-50 ट्रैक्टर चले जा हैं भाई। देखो एक बार तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भाई मिली भगत तो है सारे दलालों की भाई, सुनो मेरी बात। ये एक है भाई, एक नू कह दें इस रेट तो ऊपर कौन चढ़ाना, कुछ ट्रैक्टर थोड़े है 2-4 महंगे। के भा गई? 166 है। तो साथियों आज तो ये 110 तो आ गई थी और 166 है भाई, 175 है माऊ डैनी बाबू तो की है भाई। एक के भा गई भाई साहब?
के बा गई भाई साहब? यहाँ गई थी 130 रुपए क्विंटल। 130 रुपये। तो साथियों ये थे भाई आज के मंडी के बा, और लगभग ये बता रही हैं भाई ये सोते जाएंगी मसा। तो अपनी वीडियो कैसी लगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। मैं अपना प्रयास ये रहेगा कि आप सही भाई हर रोज़ के बाप पुता वहाँ सारी मंडिया के भिवानी के। नमस्कार।